गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में आप धातु रूपों में यानी कि लट लकार की परिभाषा, लट लकार की क्रियाएं आप पढ़ चुके थे और उसमें पट धातु के साथ लट लकार की क्रियाएं यानी धातु रूप आपने पढ़े थे। अब अगला लकार है वो है दूसरे नंबर, क्या है, लंग लकार। कौन सा लकार बेटा? लंग लकार। लंग लकार को कौन सा काल बोलते हैं? भूतकाल। कौन सा काल बोलते हैं? भूतकाल। तो दूसरे नंबर का लकार है लंग लकार, इसे बोलते हैं भूतकाल। इसमें क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में जब हिंदी वाक्य दे रखा है, आपको पहचानना है और उसकी संस्कृत बनानी है, तो आप क्या मिलेगा आपको पहचान के लिए, इसमें क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या शब्द होंगे? था होगा, थी, थे। क्या होंगे? था, थी, थे या आ, ई, ए, ये शब्द मिलेंगे। और कार्य का कौन से काल में होना पाया जाएगा? भूतकाल में। कार्य का कौन से काल में होना पाया जाएगा? भूतकाल में होना पाया जाएगा। वहाँ कौन सा लकार होगा? वहाँ लंग लकार होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के, हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत में था, थी, थे। क्या आते हैं? था, थी, थे या आ, ई, ए। था, थी, थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तथा तथा कार्य का, तथा कार्य का भूतकाल में, तथा कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। कार्य का कौन से काल में? भूतकाल में होना पाया जाता है। दोबारा देखें, लंग लकार कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य का कौन से काल में होना पाया जाता है? भूतकाल में होना पाया जाता है। इसके अपन क्या देखें, क्रिया देखेंगे, लिखेंगे क्रियाएं। पुरुष एक वचन में, एक वचन में, द्विवचन में, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन, और बहुवचन प्रथम पुरुष से, प्रथम पुरुष से, मध्य में पुरुष से और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, आज इसकी क्रिया लिखेंगे कौन से लकार की? लंग लकार की। आते
क्या है? अत अताम, अत अताम अन, अत अताम अने ए अतमे अत, क्या हुई? अते अताम अने एह अतम अते आमे आओ और आम, क्या है? अते अताम अन ए अतम अते अम आओ आ, ये क्या हो गई? लंग लकार की क्रियाएं हो गई। कौन से लकार की? लंग लकार की। अब मान लीजिए अपन कोई भी धातु में जोड़े ये क्रियाएं, धातु के साथ ये क्रियाएं जोड़ी जाती हैं और ये क्रियाएं धातु के साथ जोड़ने पर क्या बनता है? धातुरु बनते हैं। धातु के साथ क्रिया जोड़ने पर क्या बनेंगे? धातुरु बनेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब धातु से धातु के बाद ये क्रियाएं जोड़ेंगे तो उससे पहले धातु के धातु से पहले ए जोड़ा जाएगा। धातु से पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। ध्यान रखें कि बात है कि लंग लकार में धातु से पहले ए जोड़ा जाता है, यानी कि लंग लकार में धातुरूप बनाते समय धातु में ए जोड़ा जाता है। धातु में पहले क्या लगाएंगे? ए। जैसे आप देखें पठी लगाएं, पठ धातु लिखें, पठ यानी होता है पढ़ना, पठ यानी क्या होता है? पढ़ना होता है। अब मैंने आपसे कहा कि धातु से का जो अंतिम अक्षर होता है वो क्या होता है? हलंत होता है। क्या होता है? हलंत होता है। धातु का अंतिम अक्षर क्या है? हलंत है, हलंत लगा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? मैंने बताया धातु से पहले ए जोड़ेंगे, तो ए पहले जोड़ देंगे। ए जोड़ दिया भाई, पहले क्या बन गया? ए पठ। लंग लकार में ये होता है कि धातु से पहले ए जोड़ा जाता है। अब इसके बाद ए पठ हो गया, इसके बाद ये प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है अत वो जोड़ेंगे, तो ए इसमें ठे में जोड़ दिया तो ठे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। बचेगा आपके पास क्या? तय। क्या बन जाएगा? ए पठत। क्या बना? ए पठत। उसी प्रकार आगे चलेंगे, पठ में धातु से पहले क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ते हैं, ए जोड़ दिया, क्या बन गया? ए पठ बन गया। उसके बाद क्रिया जोड़ेंगे अताम, तो ऐसे ठे पूरा हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? ताम। क्या बन जाएगा? ए पठताम। क्या बन गया? ए पठताम। ठीक है, उसी प्रकार अन जोड़ेंगे, किस में? पठ में, लेकिन धातु से पहले ए जोड़ा जाता है लंग लकार में, तो ए पठ हो गया। ठे आधा है लेकिन ए आपके पास है, पूरा कर देगा, ठे पूरा हो जाएगा, बचेगा क्या? ने। क्या बन जाएगा? ए पठन। क्या बन जाएगा? ए पठन बन जाएगा। आगे चलते हैं, मध्यम पुरुष एकवचन में पठ है, धातु से पहले ए जोड़ेंगे, ए पठ हो गया, लेकिन आपके पास क्या है? ए और विसर्ग हैं, ऐसे तो ठे पूरा हो जाएगा, बचेंगे क्या? विसर्ग, विसर्ग लगा देंगे। ए पठ है, क्या बन गया? ए पठ है। उसी प्रकार यहाँ चलें, पठ है, पठ से पहले धातु से पहले ए जोड़ेंगे, क्या बन गया? ए पठ। क्या बन गया? ए पठ। ठे से ठे हलंत है, वो किससे पूरा हो जाएगा? ए स्वर से, बचातम। क्या बन गया? ए पठतम। क्या बन गया? ए पठतम। ठीक है, ए पठतम। अब अत जोड़ेंगे, तो ए पठ तो अपन धातु से पहले ए लगाएंगे, तो ए पठ ठे हलंत है, ऐसे पूरा हो जाएगा, बचेगा ते। क्या बन गया? ए पठत। क्या बन गया? ए पठत। यहाँ भी ए पठत है लेकिन तय क्या है? हलंत है। यहाँ क्या नहीं है? तय हलंत नहीं है, दोनों समान, वैसे हलंतों का अंतर होता है। ए पठत इसमें क्या है? हलंत लगा हुआ है। यहाँ पर क्या नहीं है? हलंत नहीं है। आगे चलेंगे,
अम जोड़ेंगे मध्य उत्तम पुरुष एकवचन में ए पठ ऐसे ठे पूरा हो गया, बचा क्या मैं, क्या बन गया ए पठम, क्या बन गया ए पठम। उसी प्रकार आगे ए पे और ठे, ठे हलंत है लेकिन आस्वर लगा देंगे पूरा हो जाएगा ए पठा और वत का क्या वे, क्या बना ए पठाओ। उसी प्रकार आम जोड़ेंगे ए पठाम, ए प ठा और न, ठीक है। अत अताम अन एह अतम अत अम आव आम, धातु रूप क्या बना ए पठत ए पठताम ए पठन, ए पठे ए पठतम ए पठत, ए पठम ए पठाव ए पठाम, ठीक है। इसके बाद जैसे उदाहरण लिखेंगे वह विद्यालय को गया, वह विद्यालय को, वह विद्यालय को गया, क्या है कि आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी में कि वह विद्यालय को गया, ठीक है। हिंदी वाक्य मैंने बताया, हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए आप इसमें पहचानेंगे कौन सा काल है। दो लकार पढ़ चुके हैं, पहला वर्तमान काल यानी कि लट लकार, लट लकार की पहचान बताई थी मैंने आपको, ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं उसमें, इसमें अंत में ता ती ते आदि नहीं आ रहे, ता है ती है ते हैं आदि शब्द तो नहीं है, नहीं है। तो अगला लकार पढ़ा था आपने लंग लकार, कौन सा काल है भूतकाल, ठीक है, कौन सा काल था भूतकाल, उसमें पढ़ा था थी थे, था थी थे तो नहीं है, लेकिन आगे भी पढ़ा था आपने आ ई ए, तो यहाँ ये में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, आ स्वर लगा हुआ है, तो कौन सा काल होगा भूतकाल होगा, कौन सा काल होगा भूतकाल। अब अपन क्या करते हैं, वह की संस्कृत आपको बताई थी क्या होती है स, वह की संस्कृत स भी होती है, सा होती है और तत भी होती है, लेकिन स पुलिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत किसके लिए होती है नपुंसक लिंग के लिए होती है। तो ये किस में है, वह विद्यालय को गया, वह विद्यालय को गया, तो पुलिंग शब्द है स लिख देंगे। विद्यालय को संस्कृत में क्या बोलते हैं, विद्यालय ही बोलते हैं, वह विद्यालय को गया। आगे क्या है, विद्यालय की विद्यालय हो गई, कारक चिन्ह है को, क्या है आगे कारक चिन्ह, कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से लग संबंध काकी के अधिकरण में पेपर और संबोधन हे और होता है, तो कर्ता ने कर्म को, कारक है कर्म कारक, को चिन्ह है तो कर्म कारक है, कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे कर्म कारक, द्वितीय व्यक्ति का। आप विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा विद्यालयम हो जाएगा, क्या हो गया विद्यालयम। और गया, जाने की क्या होती है गच्छ, जाने की क्या होती है गच्छ होती है, धातु का अंतिम अक्षर क्या होता है हलंत होता है, वह विद्यालय को गया तो गच्छ हो गया। अब मैंने आपसे बोला था लंग लकार में धातु से पहले क्या जोड़ते हैं ए जोड़ा जाता है, धातु से पहले क्या जोड़ते हैं ए जोड़ेंगे, तो ए गच्छ हो गया, क्या हो गया ए गच्छ हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कर्ता कौन से वचन और कौन से पुरुष का है, स है कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन का है, प्रथम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष एकवचन में क्या जोड़ा जाता है क्रिया अत जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं अत जोड़ते हैं। अब ए गच्छ है और इसमें अत जोड़ दिया तो ऐसे तो छः क्या हो गया पूरा हो गया, छः क्या हो गया पूरा हो गया, बचा क्या आपके पास तय, क्या बचा तय, तय भी कैसा आधा, क्या बन गया स विद्यालयम ए गच्छत, स विद्यालयम ए गच्छत, वह विद्यालय को गया।
वे सब पुस्तक से पाठ को वे सब पुस्तक से पाठ को पढ़ते थे वे सब पुस्तक से पाठ को पढ़ते थे कौन है वे सब किससे पढ़ते थे पुस्तक से क्या पढ़ते थे पाठ को पढ़ते थे वे सब पुस्तक से पाठ को पढ़ते थे था थी थी आ रहे कौन सा काल होगा वही कौन सा भूतकाल यानी कि लंग लकार अब इसमें देखेंगे सबसे पहले वे सब की संस्कृत क्या होती है सह मानी वह तव मानी वे दोनों और ते यानी वे सब ते आ जाएगा क्या आ जाएगा ते यानी वे सब पुस्तक से किससे पुस्तक से द्वारा अलग होना नहीं पाया जा रहा है पंचविभक्ति के लिए अलग होना पाया जाता है तो पंचविभक्ति और तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तब किससे पढ़ रहे थे पुस्तक से पढ़ते थे तो क्या हो जाएगा पुस्तक की पुस्तक ही हो जाएगी से आया है कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय विभक्ति है अब राम की तरह या फल की तरह चलाएंगे फलेन एक वचन में पुस्तक से तो पुस्तकेन आ जाएगा पुस्तकेन भाई फलम है तृतीय विभक्ति में लगाएंगे फलेन तो फलेन होगा पुस्तक में एन लगाया तो पुस्तकेन वो ये पाठ को पाठ की पाठ होती है क्या जाएगा पाठम क्या जाएगा कर्ता ने कर्म को जैसे अभी विद्यालय में लगाया था को कारक चिन्ह था कर्म कारक था तो कर्ता ने कर्म को ठीक है फलम पाठम और पढ़ने की क्या होती है पठ धातु यानी पठ यानी पढ़ना होता है मैंने बताया आपसे धातु से पहले क्या जोड़ेंगे ए पठ यानी होता है पढ़ना लेकिन धातु से पहले क्या जोड़ा जाता है लंग लकार में ए जोड़ा जाता है क्या जोड़ा जाता है ए जोड़ा जाता है अब ए जोड़ा जाता है लेकिन अपन कर्ता देखेंगे कर्ता कौन से पुरुष और कौन सा वचन का है कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है सह तव ते सह मानी वह तव मानी वे दोनों ते यानी वे सब तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी किसकी होगी बहुवचन की होगी अन जोड़ेंगे भाई एक वचन में अत द्विवचन में ताम और बहुवचन में अन तो क्या करेंगे अन जोड़ देंगे ऐसे तो ठे पूरा हो गया बचा क्या ने क्या बन जाएगा ए पठन क्या बना ए पठन ठीक है वे सब पुस्तक से पाठ को पढ़ते थे तो ते पुस्तकेन पाठम ए पठन किससे पुस्तक से पढ़ते थे तो आपका जो ये कौन सा लकार था लंग लकार भूतकाल ये कंप्लीट होता है आगे अगला लकार पढ़ेंगे लृट लकार लेकिन आज के लिए इतना ही आगे अगली वीडियो में देखेंगे धन्यवाद।